झुग्गी झोपड़ी में शुरू किए जाने वाले बिजनेस आइडियाज। भारत सघन आबादी वाला देश है, इसमें भारी संख्या में स्लम सिटी एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियां भी हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात माने तो हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ लोग इन स्लम सिटी एरियाज में रहते हैं। जितने लोग हमारे देश में इन गंदी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसे देशों की कुल आबादी उससे काफी कम है। मुंबई की धारावी स्लम बस्ती को तो एरिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती माना जाता है। इस बस्ती में मुंबई के 2.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी आबादी वाली स्लम एरिया मानी जाती है। स्लम सिटी एरिया के लिए ये हैं कुछ खास और बेस्ट आइडियाज। अब सवाल उठता है कि स्लम सिटी एरिया में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आगे कौन आएगा? तो इसका जवाब ये है कि समाज कल्याण विभाग, समाज सेवी संस्थाएं, चैरिटी संस्थाएं, एनजीओ आदि इस काम में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इन स्लम सिटी एरिया में रहने वालों के लिए कम पूंजी में बहुत अच्छा लाभ देने वाले बहुत से आसान बिजनेस आइडियाज हैं, जिन्हें अमल में लाकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को अच्छा जीवन स्तर देने के लिए इन बिजनेस को स्वरोजगार के रूप में शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ बेस्ट और प्रमुख आइडियाज इस प्रकार हैं। पूजा सामग्री का निर्माण करना। पूजा सामग्री तैयार करने का बिजनेस बहुत ही आसान है। ये काम घर से ही शुरू किया जा सकता है। पूजा सामग्री में आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री आसानी से बना सकते हैं। देवी देवताओं की आरती में काम आने वाली रुई की गोल और लंबी बत्तियां भी बना सकते हैं। इस काम में आपको कम से कम लागत लगानी होती है। इन्हें अच्छे दामों में बेचा भी जा सकता है। पूरे साल हिंदुओं में कोई ना कोई धार्मिक त्योहार और पूजा पाठ के कार्यक्रम आयोजित होते ही रहते हैं। साल में 2 बार नवरात्र, गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सावन के सोमवार आदि पर्व आते ही रहते हैं। इन पर्वों और त्योहारों में देवी देवताओं की पूजा के लिए इस तरह की पूजा सामग्री की बहुत डिमांड होती है। कम पैसों में तैयार होने वाली इस पूजा सामग्री को श्रद्धालु खास मौके पर अच्छे पैसे में खरीदने में नहीं हिचकते हैं, इसलिए स्लम सिटी एरिया के लोगों के लिए ये काम बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये बिजनेस बहुत ही लाभदायक भी है। बेकरी प्रोडक्ट तैयार करना। भारत में सुबह शाम चाय नाश्ते का प्रचलन है। चाय के साथ लोग बेकरी में तैयार होने वाले बिस्किट, ब्रेड, रस, मुट्ठी, टोस्ट, बन और अन्य कई लोकल प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। इस तरह से इन बेकरी प्रोडक्ट की प्रतिदिन दोनों समय जरूरत होती है। ये ऐसा बिजनेस क्षेत्र है जिसमें यदि रोज नए 10-20 बिजनेसमैन अपना नया बिजनेस शुरू करें तो उसमें भी घाटा नहीं होगा। इस बिजनेस को बहुत कम लागत और बहुत छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। बस केवल इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसके लिए कुछ दिनों तक किसी बेकरी में काम कर लें और जब काम करना आ जाए तो अपनी खुद की बेकरी चलाकर अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। स्लम एरिया में रहने वालों के लिए ये बिजनेस काफी आसान और अधिक मुनाफा देने वाला है। बस इस बिजनेस के लिए शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी होगी। पेपर कप, पेपर प्लेट और पेपर ग्लास बनाना। स्लम सिटी एरिया के निवासियों के लिए ये बिजनेस काफी आसान है, बस इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। इस बिजनेस के लिए बहुत अधिक जगह नहीं चाहिए। घर के कमरे के एक कोने में मशीन लगाकर काम शुरू किया जा सकता है। ये मशीन घर के बिजली कनेक्शन से भी चल सकती है। बस इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेसमैन को मशीन की व्यवस्था करनी होगी। ये सच है कि स्लम बस्ती में रहने वालों के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो अकेले दम पर नकद मशीन को खरीद सके। इसके लिए बेहतर यही होगा कि कुछ लोग मिलकर कम से कम पावर वाली मशीन खरीद लें और उस बिजनेस में साझेदार बन जाएं, अथवा डाउन पेमेंट करके मशीन को लोन पर ले लें, उसके बाद ये बिजनेस शुरू करें। इस बिजनेस की संभावनाओं की बात अगर करें तो इसमें संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। आज के समय में शहर के प्रत्येक गली, मोहल्ले, चौराहे, मार्केट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जगह जगह टी स्टॉल, चाट की दुकानें, ठेली पटरी पर स्ट्रीट फूड का काम करने वालों की भरमार है। सभी को इन पेपर कप, पेपर प्लेट और पेपर ग्लास की जरूरत होती है। वो इनकी तलाश में थोक बाजार में भटकते रहते हैं। यदि उन्हें अपने स्थान पर ही जरूरत की ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी तो वो खुशी खुशी कुछ पैसे अधिक देकर भी इन्हें खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी भाग दौड़, समय और पैसे की बचत होगी। हेयर बैंड का बिजनेस। हेयर बैंड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार 365 दिन चलने वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रतिदिन होता है। यदि किसी घर में 2 महिलाएं हुई तो कम से कम 4 हेयर बैंड रोज की जरूरत होते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये रोजाना कितना बिकने वाला आइटम है, इसलिए ये बिजनेस बहुत ही अधिक डिमांड वाला है। इसमें काफी अधिक मुनाफा मिलता है। हेयर बैंड का बिजनेस 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि कोई भी महिला जिसके पास सिलाई मशीन है और जिसके पास सिलाई मशीन नहीं भी है, वो भी अपने घर में खाली समय में बाजार में बिकने वाले आकर्षक रंगों और डिजाइनों वाले कपड़ों के पीस को सस्ते दामों में खरीद कर उनकी कटाई सिलाई करके आकर्षक हेयर बैंड बना सकती है।
ये यूनिक डिजाइन वाले हेयर बैंड की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। एक बार आपके बने हेयर बैंड मार्केट में पसंद आ गए तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आ गए। हेयर बैंड का बिजनेस करने का दूसरा तरीका ये है कि थोक मार्केट से सस्ते रेट में बने बनाए हेयर बैंड लाकर दूर दराज की दुकानों पर फुटकर दुकानों को बेच सकते हैं। इस बिजनेस को स्लम एरिया के लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं। जैम जेली का निर्माण करना। जैम जेली को तैयार करना भी एक अच्छा बिजनेस है। स्लम एरिया के लोगों द्वारा इसे आसानी से किया जा सकता है। इसे घर के बर्तनों और मिक्सी से आसानी से बनाया जा सकता है। कच्चा माल बाजार से लाना होता है। ये सारी चीजें कहीं भी आसानी से मिल सकती हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत ही कम लागत में जैम जेली को तैयार किया जा सकता है। आजकल लोग नाश्ते में अनेक ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें जैम या जेली की जरूरत होती है। ये लोग जैम जेली के शौकीन होते हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए ये लोग अच्छी चीज के अच्छे पैसे भी दे सकते हैं। बस आपको एक बार अपनी अच्छी क्वालिटी और स्वादिष्ट माल ग्राहकों तक पहुंचाना है। अगर आपका प्रोडक्ट हिट हो गया तो ये एक बड़ा बिजनेस भी बन सकता है। स्ट्रीट फूड का बिजनेस। स्ट्रीट फूड के बिजनेस का मतलब रेस्टोरेंट होटल वगैरह नहीं होता, बल्कि ठेली पटरी पर लगने वाली छोटी छोटी चाट और अन्य स्वादिष्ट नाश्ते की दुकान भी होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ठेली पटरी या फिर सिर पर एक बड़ा सा थाल रखकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस स्लम एरिया के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह के बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा विचार करना होगा। सबसे पहले आपको वो जगह तलाशनी होगी जहाँ पर आपको अपना बिजनेस करना है। आपको उस एरिया में दूसरी स्ट्रीट फूड की दुकानों को देखना चाहिए। कोशिश करें कि कोई यूनिक प्रोडक्ट चुनें और उसका बिजनेस शुरू करें। केवल एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस तरह के बिजनेस में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत अच्छा मुनाफा होता है। पापड़ और अचार का बिजनेस। पापड़ और अचार के बिजनेस का भी आइडिया बहुत अच्छा है। इस काम के लिए ना तो कोई जगह और ना ही कोई मशीन आदि की आवश्यकता होती है। घर के सामान से पापड़ और अचार बनाया जा सकता है। इसके लिए लोकल मार्केट से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। शुरू में बहुत ही छोटे लेवल से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस की खास बात ये है कि आपके हाथ में स्वाद का जादू होना चाहिए। अगर आपके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का स्वाद ग्राहकों को भा गया तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट अपने आप चल जाएगी। स्लम एरिया के लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। वो इस बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करके बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। प्रत्येक शहर में वाहनों की भारी संख्या देखने को मिलती है। दिन भर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन खराब भी होते हैं। अगर आप इनके रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो आपके सामने बस एक सवाल आएगा कि पहले दिन से कोई थोड़ी वाहनों की मरम्मत करने लगता है। तो आपकी ये बात सही है। आपको बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बनानी होगी। यदि आपके मन को ये बिजनेस भारा है तो इसके सीखने का भी इंतजाम करें। इसके लिए आपको अपने नजदीक किसी ऑटोमोबाइल रिपेयर करने वाले के पास जाकर उसे पार्ट टाइम जॉब मांगना होगा। पहले तो आपको कम पैसे में काम देना चाहेगा, तो आपको खुशी खुशी वो काम कर लेना चाहिए। कम पैसे में अधिक काम कराने की बिजनेसमैन की आदत होती है। आपको इसका लाभ उठाना है, यानी आपको अधिक से अधिक काम करना है। काम करने से ही काम आता है। जब लगे कि किसी एक वाहन की रिपेयरिंग की पूरी जानकारी आपने हासिल कर ली है, जैसे बाइक को पूरा खोलकर बांध लिया है, कोई कमी नहीं आई है, इस काम की काफी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है, तो आप धीरे से कहीं ठिकाना देखकर वहां से खिसक लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। हेयर ड्रेसिंग सर्विस का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी कहीं भी बहुत कम पैसे खर्च करके शुरू कर सकता है। बस इसके लिए जरूरी है कि आपको ये काम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो किसी को गुरु बनाइए और उसकी शॉप में फ्री में सेवा दीजिए। यदि दुकानदार आपको पार्ट टाइम या बहुत कम पैसे में काम पर रखना चाहे तो आपको उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहाँ काम करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो आपको ये मिलेगा कि आप काम सीख जाएंगे। दूसरा फायदा ये है कि वहाँ आने वाले ग्राहकों से आपका परिचय हो जाएगा, जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने के समय काम आएगा। ये बिजनेस सड़क के किनारे एक कुर्सी मेज डालकर भी शुरू किया जा सकता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाए, इसको वैसे वैसे दुकान आदि की व्यवस्था करके आगे बढ़ाया जा सकता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाना। डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस भी काफी आसान है। इसके लिए किसी तरह की महंगी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। इस बिजनेस के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक बड़े से बर्तन की जरूरत होती है जिसमें 15 से 20 किलो तक डिटर्जेंट पाउडर बनाया जा सके। डिटर्जेंट बनाने के लिए आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत होगी। वो आप केमिकल की दुकान पर जाएंगे तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। बनाने की विधि कोई बहुत अधिक पेचीदा नहीं है, बस केवल आपको कई केमिकल्स को अच्छी तरह मिलाना है। इसके लिए बड़े बर्तन में एक एक करके केमिकल डालते जाना है और उसको हिलाते रहना है। जब सारे केमिकल्स आपस में अच्छी तरह मिल जाएं, तो ये थोड़ा सा नमी वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जिसे सुखाने के लिए फैलाकर छोड़ देना चाहिए। जब ये सूख जाए तो किसी चलनी से छान कर उसके पैकेट बनाकर बेच सकते हैं। बस आपका फॉर्मूला हिट होने की ही देर है। तो ये थे स्लम एरिया में शुरू किए जा सकने वाले कुछ बेस्ट बिजनेस आइडियाज। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा।
ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।